हेलो वेलकम बैक माय अवर यूट्यूब चैनल वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप मुझे जानते होंगे, मैं हरिंदर, ये सीलू, ये नेगी, इसको तो अच्छे से जानते होंगे, हर वीडियो में यही दिखता है। तो अभी हम ऐसी जगह आए हैं जो मतलब बहुत ही अच्छी है, सेवन वंडर वेस्ट ऑफ पार्क नाम है इसका, निजामुद्दीन में ये पड़ता है, मतलब निजामुद्दीन में ये है। और यहाँ पे जितनी भी हमारी जो सात अजूबे हैं उनको बहुत ही खूबसूरती के साथ कवाड़, लोहे के कवाड़ के साथ सजाया हुआ है। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन माय यूट्यूब चैनल, मैं विकास नेगी, स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल घुमक्कड़ इंडियंस पे। तो आज हम आए निजामुद्दीन में, क्या है, एक पार्क है जिसकी थीम है सेवन वंडर ऑफ वर्ल्ड, जो कि वेस्ट से बनाया गया है। तो इस जगह पे हम आए हैं, हाँ, तो आपको कुछ वेस्ट नहीं करना है। आपकी जो इसमें एंट्री फीस है वो 50 रुपये रखी गई है, पर पर्सन आपको 50 रुपीज़ देने पड़ेंगे। और अगर आपकी उम्र 65 से अबव है तो उसके कोई चार्ज नहीं, तो उसके कोई चार्जेस नहीं है। और जो बिलो वाले बच्चों के लिए 20 रुपीज़, अगर आपका बच्चा है जो कि 15 साल से छोटा है तो उसके आपको 25 रुपये देने होंगे, 20 रुपीज़। और एक चीज़ और कि आपको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलेगा, आपको जो सेवन वंडर है वर्ल्ड के वो देखने को मिलेगा, जिसमें हमारा एक ताजमहल भी है, उसकी रिप्लिका आपको दिखेगी। और टाइमिंग का मैं आपको बताऊँ कि टाइमिंग यहाँ पे 11 से 11 है, सुबह 11 से रात के 11 बजे तक ये ओपन रहता है। और रात में अगर आपको आएंगे तो आपको लाइटिंग का एक अलग इफेक्ट दिखेगा, अगर आप मॉर्निंग में आएंगे तो आपको जो रियल ब्यूटी है उसकी वो दिखेगी। लेकिन आप मेरी माने तो रात में आना प्रेफर करना अपनी फैमिली के साथ, मतलब ऐसे टाइम पे जो आप दिन में भी उसका आनंद ले सके 3-4 के आसपास है, और रात में उसकी लाइटिंग को भी एंजॉय कर सके, लाइट में बहुत ही खूबसूरत वो दिखेगा आपको बहुत ही। और अगर आप यहाँ पे आना चाहते हो तो आपको यहाँ पे आने के लिए निजामुद्दीन मेट्रो स्टेशन से उतरना है, और वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे आप पैदल पैदल भी आ सकते हैं। तो चलते हैं अंदर और देखते हैं कि अंदर क्या है हमारे लिए, कैसा कुछ खास है जो हमको दिखा सकते हैं, और एक एक चीज़ के बारे में आपको डिटेल से बताऊँगा कैसा है क्या है। तो चलिए अंदर। अच्छा, अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आप एंट्री फीस जो 50 रुपीज़ है मंडे टू सैटरडे, लेकिन अगर आप संडे को आते हो तो आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, संडे को क्लोज रहता है। पापर। तो मैंने इनको पूरी टिकट दी, उन्होंने मुझे आधी फाड़ के दे दी, तो आधी फटी हुई टिकट का मैं क्या करूँ। आ चुके हैं अंदर, तो सबसे पहले क्या देखेंगे, कितनी भी है रंग बिरंगी, कौन से देश में घूमना सबसे पहले। सबसे पहले हम सोच रहे हैं जहाँ पे आईफिल टावर है, अब मुझे ये नहीं पता कहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में था, हम पहले वहाँ पे जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में आईफिल टावर, पेरिस में। चल बेटा सेल्फी ले ले रे, ए ए ए ए ए। इसे देख के आप ये चिड़ियाघर दोबारा आ रहे हैं। जैसे आप पार्क में एंटर करते हो सबसे पहले आपको मिलेगा द ग्रेट गीजा का पिरामिड, जो कि इजिप्ट में है, उसकी रिप्लिका यहाँ पे है, जो कि सेवन वंडर्स में से एक है। तो आप देखिए पीछे, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, टोटल पूरा वेस्ट का बना हुआ है, पाइप पे इसको खड़ा किया हुआ है, और अंदर से इसमें लाइट लगी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है, जोर के खड़ा किया हुआ है। अगर आप दिन में शायद ये ऐसा इतना ब्यूटीफुल ना लगे, क्योंकि दिन में अंदर लाइट का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, रात में काफ़ी अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली पे हम किसी पहाड़ों में गए हैं, और वहाँ पे छोटी 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 शहर दिख रहे हैं हमें, जिन पे घर की लाइटें जल रही हों, तो ऐसा वाला फील आ रहा है, दूर से ऐसी लग रहा है जैसे शिमला हो। तो गीजा के पिरामिड के बाद जो आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये है रिप्लिका ऑफ पीसा की मीना, पीसा की झुकी मीना, जो कि इटली की पीसा सिटी में है। तो भैया आपको लंदन घूमने के लिए कोई वीज़ा नहीं चाहिए, कोई टिकट नहीं चाहिए, लाखों खर्च करने की जरूरत नहीं है, बस 100 रुपये ओनली फॉर संडे। अबे अब तो कुछ करी। सो गाइस, जो भी पीछे देख रहे हैं रिप्लिका ऑफ आईफिल टावर, जो कि इस पार्क में ही है, 1887 से 1890 में एक प्रदर्शनी के दौरान इसका निर्माण किया गया था। आईफिल टावर की जो हाइट है 1084 फीट की है, विद एंटीना, और विदाउट एंटीना की हाइट 984 फीट है। जो इस पार्क में आईफिल टावर सबसे ऊँचा है, इसकी ऊँचाई 70 फीट है इस पार्क के अंदर, जिसको बनाने में लगभग 97 लाख रुपये लगे हैं इसमें। एक चीज़ और बताऊं आपको, इसमें है ना 15 टन लोहे का इस्तेमाल हुआ है, और में ऑटोमोबाइल के पार्ट्स हो गए, ट्रक के पेट्रोल टैंक हो गए, क्लच प्लेट हो गई, उन सब चीज़ को यूज़ करके बनाया गया है, और इसको बनाने में 130 दिन लगे 130 दिन लगे, और 70 लाख रुपये के 90 लाख रुपये 70 लाख रुपये इसको बनाने में लगे। और टोटल ये आईफिल टावर बेस मटेरियल का बना, जो कि SDMC ने इकट्ठा किया है ऑल ओवर इंडिया से, और फोटो वालों के लिए उसको प्रिय है, ये ओनली स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जाकर आप फोटो खिंचा सकते इस पार्क के अंदर।
पड़ती है, वो दूर से देखनी पड़ती है। हाँ, बाकी जितने भी स्ट्रक्चर यहाँ पे बने हुए हैं उनके चारों तरफ घेरा बना हुआ है, आप अंदर नहीं जा सकते, अगर अंदर जाओगे तो पेनल्टी है, ठीक है। इसमें आप जा सकते हैं, 2000 रुपये देख रहे बेटा, 100 रुपये में पूरी दुनिया घूम रहे, और क्या चाहिए, घूम लो। अभी जो पीछे देख रहे हैं ना, इटली के रोम में क्लोजियम नाम से एक मतलब बहुत ही खूब मसला है, मसला। आप जो पीछे देख रहे हैं ना, क्लोजियम नाम से स्थित इटली के रोम के बीच में है, समझ रहे हो ना, मतलब इसमें मतलब समझ ठीक लगा लो। अच्छा, तो ये जो आप पीछे देख रहे हो, ये 7 वंडर में से एक की रिप्लिका है, जो कि क्लोजियम है, जो कि इटली के रोम के बीच शहर में है। ज़्यादातर इसमें ऑटोमोबाइल वेस्ट मेटल यूज़ हुआ है, जो कि SDMC ने इनको प्रोवाइड करवाया। इनको क्या, ये SDMC का ही प्रोजेक्ट है पूरा, खुद उन्होंने कलेक्ट किया है, खुद कलेक्ट किया है और फिर ये वेस्ट बनाया। और इसको बनाने में 100 दिन लगे और 70 टन वेस्ट लोहे से बना हुआ है। अच्छा, 7 वंडर ऑफ वेस्ट जो पार्क है, उसको टोटल बनाने में 6 महीने लगे, जिनको बनाने में 100 जो कि लेबर या वेल्डर आप बोल सकते हो, वेल्डर लगे हैं, और 5 जो आर्टिस्ट थे, इंजीनियर थे, आर्टिस्ट थे, उन्होंने उसको बनाया है। पूरे पार्क को बनाने के लिए पूरे 7 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। सो गाइस, जो आप ये सामने देख रहे हो, ये ताजमहल है, बताने वाली कोई बात नहीं है, आप सब लोग जानते हैं। और दूसरा, आपको पता ही होगा कि ये शाहजहाँ ने मुमताज के लिए बनाया था, तो ये एक लव सिंबल है, तो ज़्यादातर लव बर्ड्स यहाँ पे आके अपनी अपनी फोटोज खिंचवाते हैं। इस ताजमहल को बनाने के लिए, ये जो रिप्लिका है यहाँ पे बनाने के लिए, सबसे महंगी रिप्लिका यही है, सबसे ज़्यादा जो कॉस्ट लगी है इस पार्क में, ये इस रिप्लिका को बनाने के लिए ही लगी है। और इसको बनाने के लिए काफ़ी सारी वेस्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है, जैसे कि 1600 साइकिल रिम का इसमें यूज़ हुआ है, और कुकिंग कढ़ाई जो होती हैं उसका यूज़ हुआ है, और पाइप जो होते हैं, और पार्क में जो हमारे बेंचेस लगे होते हैं, एंगल्स लगे होते हैं, उनका यूज़ करके इस रिप्लिका को बनाया गया है, जो कि बेहद खूबसूरत है। और इकलौता 7 वंडर में से एक वंडर है, जो कि हमारे इंडिया में से है, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ पे अभी ताजमहल के बाहर लंगर शुरू हो गया, और हमारा देश लंगर का इंतजार कर रहा है, पत्थर आने वाली है, पत्थर लेके सीधा लंगर स्टार्ट करेगा। हाँ भाई, खा कर नहीं आते घर से? नहीं। सो गाइस, जो आप ये जो पीछे देख रहे हैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी भी, ये मूर्ति है, ये फ्रांस और अमेरिका की एक दोस्ती का प्रतीक भी माना जाता है, क्योंकि अमेरिका की जो क्रांति हुई थी, उस क्रांति के टाइम पे फ्रांस ने ये मूर्ति बना के अमेरिका को दी थी एज अ फ्रेंडशिप गिफ्ट। और जो कि ये मूर्ति थी कि पूरी तांबे की बनी हुई है, इसका निर्माण फ्रांस में हुआ था, और बाद में इसको अमेरिका के बंदरगाह पे लाया जाता। तो ये सहमति पहल हो गई थी कि इस मूर्ति का जो निर्माण है वो फ्रांस करेगा, और जिस चबूतरे पे ये मूर्ति बनी हुई है उसका निर्माण अमेरिका करेगा। सो गाइस, जो आप पीछे देख रहे हैं, ये 7 वंडर्स में से एक वंडर है, जो कि 7 अजूबों में से एक अजूबा है दुनिया का। और इसके बारे में बता दूँ, इसका नाम है रियो रिडीमर, जो कि ब्राज़ील की पहाड़ियों पर है। जो एक्चुअल रियो रिडीमर की जो मूर्ति है, उसकी ऊंचाई 124 मीटर है, और ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्तियों में से एक मूर्ति है। और जो ये 7 वंडर ऑफ वेस्ट में, जो ये इस पार्क में जो रिप्लिका है, इसको बनाने में सारा वेस्ट मटेरियल का यूज़ किया गया है। बेसिकली जितने भी यहाँ पे स्ट्रक्चर बने हुए हैं, जितने भी रिप्लिका बनी हुई है, सबको बनाने में वेस्ट मटेरियल का यूज़ हुआ है। ज़्यादातर जो वेस्ट मटेरियल है वो ऑटोमोबाइल्स के पार्ट हैं, तो इसको बनाने में भी साइकिल रिम का यूज़ किया गया है। सो गाइस, ये था हमारा 7 वंडर का ब्लॉग। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो आपको वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। और दूसरा एक चीज़, और स्वच्छ भारत अभियान को ध्यान में रखते हुए, पीछे आप देख रहे हैं रंग बिरंगे, ये कुछ दीवार नहीं है, ये भी कबाड़ का बनाया हुआ, और इसके अंदर टॉयलेट है। अच्छा हाँ, और ये जो पार्क बनाया, ये क्लीन इंडिया का ही एक प्रोजेक्ट है, जो कि क्लीन इंडिया को नज़र में रखते हुए वेस्ट मटेरियल को यूज़ करना, रिसाइकल कैसे करें, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पार्क बनाया गया था। और जो रिसाइकल जो भी आप कर सकते हो वो रिसाइकल करो, जितना रिसाइकल कर सकते हो, सिंगल यूज प्लास्टिक का यूज़ मत करो। और एक चीज़ और, कि जो ये प्रोजेक्ट का, जो इस पार्क का थीम है, उसका कॉन्सेप्ट आया था कोटा से। कोटा में एक ऐसा ही पार्क है, जिस पार्क को देख कर इंस्पायर हुए थे कि हमको भी दिल्ली में ऐसे पार्क बनाना चाहिए, और ये दिल्ली में एक पार्क बना। यूनिवर्सिटी ऑफ वडोदरा के फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स थे, उन स्टूडेंट्स ने इस पार्क को बनाया है। और इस पार्क को बनाने के लिए लगभग 5 इंजीनियर बोल सकते हैं आप उनको, या जो आर्टिस्ट थे वो लगे थे, और उनके साथ में 100 वेल्डर लगे थे जिन्होंने इस पार्क को बनाया। इस पार्क को बनाने में लगभग 6 महीने लगे थे, लगभग 110 टन
वेस्ट मटेरियल यानी कि जो स्क्रैप था उसका यूज़ किया गया था, जो कि SDMC ने ही प्रोवाइड करवाया था। SDMC का ये प्रोजेक्ट है, SDMC यानी कि साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये प्रोजेक्ट है। साउथ दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ही इसका देखरेख करती है। हाँ, आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप नाइट में आना चाहते हो तो नाइट का अलग फ़ायदा है, डे में आते हो तो डे का अलग फ़ायदा है। नाइट में कुछ अलग व्यूज़ आते हैं, डे में कुछ अलग व्यूज़ आते हैं, टोटली डिफरेंट होता है। और सजेशन यही है कि आप नाइट में आओ क्योंकि 11 बजे तक एंट्री होती है। नहीं मतलब सनसेट के टाइम से, हाँ सनसेट के टाइम पे या 3 से 4 के टाइम पे आ सकते हैं और थोड़ी देर में शाम को भी मतलब आपकी जो लाइट। और यहाँ एक चीज़ और देखिए, मैंने आप जो ये पीछे बेंच देख रहे हैं ये भी एक वेस्टेज से बनाया हुआ है। ज़्यादातर जितना भी इस पार्क में जितनी चीज़ें हैं ज़्यादातर उन्होंने कोशिश करी है वेस्ट मटेरियल से बनाने के लिए। यहाँ पे एक जो टॉयलेट का यूज़ किया गया है ये भी सर जो ट्रेन के कंटेनर होते हैं कंटेनर के अंदर इन्होंने ये टॉयलेट वॉशरूम और जो हैंड वॉश करने के लिए चीज़ें हैं वो बनाई हैं। और दूसरा यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही है वो सारी इलेक्ट्रिसिटी मेनली ये लोग खुद प्रोड्यूस करते हैं। जो ये गेट देख रहे हैं गेट भी यहाँ रखी इस पाइप से बनाया है, उसके ऊपर जो ब्रांडिंग की गई हुई है वेस्ट ऑफ वंडर की वो भी एक सर इनका कॉन्सेप्ट यही था कि हमको सारा वेस्ट मेटल यूज़ करना है। क्लीन इंडिया का ही प्रोजेक्ट था इसलिए सारा वेस्ट मेटल यूज़ किया है, रिसाइकल किया है और काफ़ी अच्छा ये पार्क बनाया है। जो कि ये पार्क है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत है। आप अगर संडे को आते हो तो आपको 100 रुपीज़ देने पड़ेंगे, ये ध्यान में रखना। अगर आप सैटरडे और आप सैटरडे तक आते हो, संडे के अलावा किस भी दिन आते हो तो आपको 50 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ठीक है, काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। आप सैटरडे को आ सकते हो, सैटरडे को आओ क्राउड भी कम होगा, संडे को आपको क्राउड ज़्यादा मिलेगा। मंडे को बंद रहता है, क्लोज होता है मंडे को। और सब्सक्राइब जा रहे हो तो सब्सक्राइब करके जाना।